बक्सर में अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। मिली जानकारी के अनुसार हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े पंजाब नेशनल बैंक से 19,48,200 रुपए की लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया, जहां बक्सर जिले की पुलिस चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी है। एसपी मौके पर दलबल के साथ मौजूद थे। मामला बक्सर जिले के सिमरी थाना इलाके की बड़का सिंगनपुर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने बैंक में घुसकर बैंक कर्मियों को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया है, जहां सीसीटीवी कैमरे का वायर काट दिया गया और बैंक कर्मियों और मौजूदा ग्राहकों के साथ मारपीट की गई और रुपए की लूटपाट की गई अपराधियों के द्वारा। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना के वक्त न ही चौकीदार मौजूद था और न ही कोई पुलिसकर्मी, जबकि 10 वर्ष पूर्व भी लूट की घटना हुई थी इसी बैंक में। सारे लोग नकाब पहने हुए थे। कितना का लूट थी? 19,48,200 समथिंग। कितने अपराधी? सिक्स। कई बजे की घटना है? 4 बजे के आसपास। सर आपका परिचय? मैं एलडीएम हूँ, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बक्सर। किस तरह मैंने अपराधी आए और बंधक बनाए? हाँ, लोगों को मैंने कि धमका दिया, पहले तो आया सीसीटीवी का पूरा तार काट दिया। हाँ, हम कुछ मारपीट भी किया। आए क्या कुछ औजार? हाँ, औजार सब रखे हुए थे, हथियार। हाँ, मारपीट किया है। कुछ लोग घायल भी हुए? घायल हल्का फुल्का माने जाती है, मार तो पूरा भीतर मारे, मारने का ब्लीडिंग नहीं है। पुलिस नहीं गड़बड़ नहीं था, ना ना चौकीदार बैंक तो नहीं था। इस घटना की सूचना मिलते ही बक्सर एसपी सर्किल, डीएसपी और डुमराव डीएसपी समेत कई थाने की पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई है। बताया जा रहा है कि इस घटना को कुछ नकाबपोश अपराधियों ने अंजाम दिया है, जिसके बाद पुलिस जिले की हर जगह नाकाबंदी कर जांच अभियान तेज कर दिया है। इस पूरे मामले की घटना की पुष्टि करते हुए बक्सर एसपी मनीष कुमार ने बताया कि 7 की संख्या में अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। लगभग 19 लाख रुपए की लूट अपराधियों की ओर से की गई। अपराधी को पकड़ने के लिए छापेमारी चल रही है। हाँ, ये पीएनबी का ब्रांच है, यहाँ पे आज लूट की घटना घटी है। जब से इसमें ब्रांच बंद होने जा रहा था, लगभग कुछ ही सेकंड पहले इसमें कुछ अपराधी घुसे हैं और लूट की घटना का अंजाम दिया है। कितने अपराधी थे सर? 6-7 के संख्या पर रहने की बात सामने आ रही है। 19 लाख के लगभग बताया गया। क्या कार्रवाई की जा रही? जो अग्रतर कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, छापेमारी चल रही है हम लोग की। सर, लूट के समय में यहाँ पुलिसकर्मी? यहाँ पुलिसकर्मी उस समय नहीं थे, लेकिन लगभग 1-1.5 घंटे पहले पुलिस ने चेक किया था बैंक को आके। वही घटना के वक्त मौजूद चश्मदीद धीरेन्द्र तिवारी और एक बच्चा बारूद, जो बैंक परिसर में लूट के दौरान मौजूद था, उन लोगों ने घटना की पूरी जानकारी दी। यहाँ धीरेन्द्र तिवारी ने बताया कि इस बैंक में पहले भी घटना हो चुकी है, आज घटना के वक्त पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे। धीरेन्द्र तिवारी ने यह मांग की कि इस बैंक को इस सुनसान जगह से कहीं सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए। जी जी जी, उस समय हम लोग अपना फार्म वार्म स्कैन करके, बीसी हैं हम लोग, फार्म वार्म स्कैन करके आप जाने के इच्छुक में थे, वहाँ जाकर चेयर पर बैठे पीछे में। जैसे ही बैठे ना, तब तक 4-5 आदमी पिस्टल लेकर आए, सबको मारना चालू कर दिए, पकड़ के मारने लगे। चाबी मैनेजर साहब को मारे, सेकंड मैन को मारे और चाबी मांगने लगे। ये लोग दे नहीं रहे थे, बहुत मारपीट किए, तब ये लोग चाबी दिए। उसके बाद यहाँ से कैश वैस, उसके बाद वहाँ जाके उसमें सब कैश वैस लेके, प्लास्टिक का बैग था बोरिया, उसमें पैसा वैसा लेके सब चले गए। 7 लोग। ये आपने 3:40 करीब हो रहा, 35-40। अभी बैंक पर्सनल में काम के लिए हम ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, इसी बैंक से नगरपुरा बीसी है। क्या नाम है आपका? धीरेन्द्र तिवारी। उस समय पुलिस कर्मी भी नहीं थी? हैं ना, पुलिस उस समय नहीं थी। पुलिस को खबर किया गया तो पुलिस आ गई। गार्ड तो मौजूद रहता है? हाँ, एक तो चौकीदार रहते थे जो कि आज नहीं थे। तो इसको क्या मानते हैं आप? हम तो यही मानते हैं सर कि दूसरा तीसरा वाली घटना हो गया इस बैंक में, तो इसको ये कम से ये लोकेशन चेंज कर दिया जाए, कम से कम ये ऐसा जगह पर है कि कुछ हो जाता है तो अगल बगल कहीं, मैंने फीमेल एरिया में कहीं सीसीटीवी भी नहीं है कि जाके कोई देख सके, यहाँ तो कोई ये नहीं है। क्या बता? हम लोग
यहाँ पर भारत थे, वो लोग आया इस तरफ, एक लड़का आया यहाँ पर घूमा, वो भैया जा रहे थे गेट बंद करने, बस उधर से आ गए चार पाँच। कई लोग थे? सात लोग। आते आते क्या किए? आते एक लड़का इस तरह घूमा और लोग आ रहे थे ना, वो भैया गेट बंद करने जा रहे थे तो वहाँ पर काटा भिड़ा दिया उसको, हम मारते मारते ले गए अंदर, एक आदमी गया वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया और उसके बाद पैसा उसमें से लेके और हम लोग मतलब जो है ना कस्टमर उनको मारा और पूछ रहे थे कि अलमारी खोल अलमारी खोल, तो लोग नहीं खोल रहे थे तो कहा लोग हमने को नहीं पता, तो वो बहुत मारा उसको। पिस्टल के लिए थे? हाँ। आप लोग देखे थे? हाँ। आप लोग उस समय क्या कर रहे थे? हम लोग यहीं पर बैठे थे तो हम लोग फिर उधर उधर ले गए मारते मारते हम लोग को भी। आप लोग? हाँ, हम लोग जाकर वहाँ पर बैठ गए। क्या नाम है बाबू? मेरा नाम बारूद। बारूद? बारूद कहाँ कहाँ घर है? यहीं पर। बहरहाल लूट की घटना को अंजाम देकर पुलिस को अपराधियों ने खुली चुनौती दी। अब देखना है कि पुलिस इस पूरे मामले में किस तरह अपराधियों को पकड़ने में सफल हो पाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।